तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के वह बात हम लोग चर्चा कर रहे थे जहाँ पर उन्होंने कहा जो अंतर से भगवान को पुकारेंगे उनको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। जे आंतरिक ध्यान जब करे चेतक एक नास्ती हवे, यहाँ पर आना पड़ेगा। क्या मतलब है हम लोग देखे हैं, एक स्वामी शंभुदानंद जी का जो मतवाद है, एक भाषण से जो उन्होंने कहा था वो हम लोग चर्चा किए हैं। जो ठाकुर के भाव में ठाकुर को जो ग्रहण करेंगे आदर्श रूप से, वो ठाकुर के भाव प्राप्त होंगे, ठाकुर उनको रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर आने पड़ेगा का मतलब ठाकुर के भाव से भावायित होना पड़ेगा। ठाकुर की क्या भाव है, व्हाट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण को समन्वयाचार्य कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जो बेलूर मठ की नियमावली लिपिबद्ध करके गए हैं उसमें लिखा हुआ है कि ज्ञान भक्ति योग कर्म चारों विभाग में ही ये मठ का कार्यक्रम सुविन्यस्त होगा। ठाकुर के ये चार विभाग में ही एक साथ पारदर्शिता था। उनको भाव है वी डेवलप ए बैलेंस्ड स्पिरिचुअल लाइफ, एक समन्वित जीवन, यही है ठाकुर के भाव। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद परिष्कार लिखा है, अतएव जिनको कोई एक विभाग में ही कुछ कमियां रहेगा तो श्री रामकृष्ण के भावधारा में भाव में वो भावायित नहीं है। श्री रामकृष्ण मुषाय द्रुतो हन्नाई, इफ एनीवन इज डेफिशिएंट इन एनी वन ऑफ दीज फोर वैरायटीज ऑफ ज्ञान भक्ति योग कर्म then he has not been able to mold his life, orient, cast his life in the mold of Sri Ramakrishna. ये बात है। Sri Ramakrishna मुशाय द्रुतो हन्नाई, Sri Ramakrishna के एक mold है, form है, format है, we have to orient our life according to the format of Sri Ramakrishna. ही है Sri Ramakrishna के पास आना, और वह है समन्वित जीवन। अनेक प्रकार मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, कोई भी मार्ग प्राप्त और अनुसरण करे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म विद्वेष नहीं होना चाहिए। जो मैं जो कर रहा हूँ वही एकमात्र सही है, एक दूसरा है सबको ले के एक समन्वित जीवन यापन करना पड़ेगा, तभी हम श्री रामकृष्ण के भाव में मुशा में द्रुत हो सकेंगे, अर्थात देन ऑनली विल बी एबल टू कैस्ट अवर लाइफ इन द मोल्ड ऑफ श्री रामकृष्ण। और वो कैसे किया जाए, कोई भी अगर आंतरिक भगवान को पुकारे तो उनका जीवन श्री रामकृष्ण केंद्रित हो जाएगा, ये ठाकुर का आश्वासन है, एश्योरेंस है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान योग में 4th चैप्टर 11th वर्स,
जी यथा मां प्रबद्यन्ते ताम सतीव भजाम्यहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जो कुछ चाहते हैं वो अल्टीमेटली वो हमारे पास ही आते हैं, मैं भी उनको देता हूँ। सकाम निष्काम जो मतलब से भगवान को पुकारे, ये यथा मां प्रबद्यन्ते, मैं उसको जो चाहते हैं उसको पूर्ण करके उसको अनुग्रहित करता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स टू मी, ऑल रोड्स लीड टू रोम। श्री राम कृष्ण है सबके केंद्र बिंदु में। तो जब हम भगवान को आंतरिक पुकारेंगे तो अल्टीमेटली हम भगवान के पास आके उपस्थित होंगे एवं हमारा जीवन समन्वित हो जाएगा। ठाकुर कहा करते थे, हमारे आज्ञे बाप भालो लगे ना, आई डू नॉट लाइक मोनोटोनी। चारों ओर से भगवान को भजन करना पड़ेगा, आस्वादन करना पड़ेगा। वी हैव गॉट डिफरेंट फैकल्टीज इन आवर पर्सनैलिटी। हमारा दिमाग है, बुद्धि है, जिससे हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। हमारे हृदय है जिससे हम अनुभूति फील कर सकते हैं। हमारे हस्तपदादि है जिससे हम कर्म कर सकते हैं एवं हमारे मन चित्त इत्यादि है जिससे हम मन को केंद्रित कर सकते हैं, मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो ये जो विचार के साथ भगवान को आराधना करना वह है ज्ञान मार्ग के विषय, वो भी करना चाहिए। उसके बाद भक्ति के साथ भगवान को भजन करना, वो भी हमारे हृदय के विकास के लक्षण है। भक्ति भी आराधना करना चाहिए एवं जो कर्म भगवान श्री राम कृष्ण का जो प्रदर्शित मार्ग है कि न केवल आँख बंद करके भगवान को भजन करो, आँख खोलकर भी भगवान को पूजा कर सकते हो। शिव ज्ञान जीव सेवा, जीता जगता नरनारायण के सेवा, यह अभिनव संयोजन है आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। एवं साथ साथ जो कवि बताया मन संयम, तो जो हम आँख बंद करके मन को संयम करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, वो एकाग्र मन से फिर आँख खोल करके वही भगवान को पूजा हो सकता है। सो वी अप्लाई ऑल आवर फैकल्टीज टोटल इन ऑर्डर टू रियलाइज गॉड। दिस इज दी जो ठाकुर के उदार मनोभाव का परिचय उसके बारे में बताया। देखने आस्था में मैंने दी यू हैव टू एक्सेप्ट the liberal ideas of Sri Ramakrishna एवं साधन मार्ग में भी श्री रामकृष्ण के सर्वधर्म समन्वय का मार्ग है, सबको लेते हैं एक साथ। तब के बारे में कहा जाता है बहिश्शैव हृदय काली मुखे हरि बोल, उनका बाहर में शिव का भक्त है और भीतर में शक्ति को उपासक है एवं मुँह से भजनाम संकीर्तन करते हैं वैष्णव है। तो शैव शाक्त वैष्णव सबका समन्वय, सबका संयोग का आपने ये सूत्र का बताया, सबको साथ सबको संयुक्त करके जो जीवन का विकास वही श्री रामकृष्ण का भाव है। एक देश दर्शी नहीं, इसे पंडित क्षमापद भट्टाचार्य आए थे, इसको प्रसंग में भी एक बात आया है। वो अपने ओर से सब कुछ साधन भजन कर रहे थे, ठाकुर के आने के बाद धीरे धीरे ठाकुर के साथ उनका जब संपर्क हुआ एवं उनकी आंतरिकता, साधन भजन का आंतरिकता देखते हुए ठाकुर ने बताया देखो कैसे वो श्री राम कृष्ण केंद्रित हो गया, हाउ ही हैज गॉट ओरिएंटेड टू श्री राम कृष्ण हिमसेल्फ। अभी ठाकुर जनरलाइज कर रहे हैं, जो भी इसी प्रकार
भगवान का आंतरिक पुकारेंगे उनके लिए जो वो मेरा मार्ग ही प्रशस्त है वो हमारा पास आना पड़ेगा, तथा श्री राम कृष्ण भाव में भावायित होना पड़ेगा। ये जो उदार भाव है सो ठाकुर के जो चिंतन है ठाकुर को प्राप्त करना वही नवयुग धर्म है। ठाकुर वही एक ही भगवान विभिन्न युग में विभिन्न रूप धारण करके आए हैं। इस बार उनका जो अद्भुत आविर्भाव हुआ है वो अनूठा है। दिस टाइम हिज एडवेंट इज दिस अनपैरेलल, इसे कभी देखा नहीं गया। ठाकुर के जो आविर्भाव है वो चारों ओर से एक अभिनव आविर्भाव है जिसमें किसी को रिजेक्शन नहीं है। ही एक्सेप्ट एवरीवन, ऑल आर एक्सेप्टेड, एंड विभिन्न धर्म का विभिन्न मतवाद का सब कुछ एक साथ ले लेते हैं एवं सबको समन्वय करके आप भगवान के ओर प्ररोचित करते हैं। जो कि वेद का जो प्राचीन वाणी है उसके अनुयायी है। ठाकुर कुछ नया कुछ मतवाद नहीं दिया। द एप्लीकेशन इज न्यू, द प्रिंसिपल इज ओल्ड। जो ऋग्वेद में कहा गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ट्रूथ इज वन, द इंटरप्रिटेशंस एंड मेनी, द सेज इज कॉल्ड इट इन वेरियस ने बाई वेरियस नेम्स। तो ये जो विभिन्न प्रकार का जो मतवाद है सब आखिर में एक ही बिंदु पर पर्यवसित होता है। एवरी मेथड अल्टीमेटली कन्वर्जेस टू वन गॉड। गॉड इज वन, गॉड मेनी नहीं है। ये जो ईश्वर के नाम से ये इतना धर्म विद्वेष ये बिल्कुल अनावश्यक है, बेसलेस है, का कोई आधार नहीं है। लेकिन ये जो दुनिया में देखा जाता है इसी सबसे बड़ा आघात होता है, संघर्ष होता है, रक्तपात होता है। ठाकुर के आने के उपरांत ये सब बराबर के लिए इसका अंत घोषणा किया गया है। नाउ इज ए वर्ल्ड ऑफ हार्मनी, वर्ल्ड ऑफ फेलो फीलिंग, वर्ल्ड ऑफ गिविंग एंड टेकिंग टुगेदर। अभी ये कोई धर्म विद्वेष धर्म संघर्ष का कोई अवकाश नहीं है। ठाकुर की उदार भाव ग्रहण करेगा जो ईश्वर को पुकारेगा वो ठाकुर की उदार भाव ग्रहण करना ही पड़ेगा। ठाकुर का ये अंगीकार है एवं ठाकुर को उदार भाव ग्रहण करने से फिर वो बराबर के लिए ठाकुर मुक्त कर देंगे। वो भी बात संबुद्धानंद जी का है। तो ये चारों ओर से जो एक नया आध्यात्मिक जो वातावरण आया है, the new wave of spirituality, we are all fortunate to be guided by this new wave of spirituality initiated by Sri Ramakrishna. Even uska phalashruti hai, wo kaise hum prapt karenge, jo bhagwan ko pukarenge, everyone without distinction, he will be entitled to this new way of spirituality, a new dispensation, jo ki thakur ke bhav hai, so hum log thab thakur ke ashrit hai. ठाकुर के आश्रित होने का मतलब है ठाकुर के भाव में हम भावान्वित है। वी एक्सेप्ट दी आइडियोलॉजी ऑफ दी श्री रामकृष्ण, दी लिबरल आइडियाज ऑफ श्री रामकृष्ण, एंड वी मोल्ड अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू दी वी कास्ट अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द मोल्ड ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण मुशाय द्रुत हो, इन द क्रूसिबल ऑफ श्री रामकृष्ण वी गेट क्रश्ड, वी गेट मोल्डेड। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।